हेलो, मैं हूँ फरहा मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं पॉप एंड गो। आज मैं आपको बताऊंगी विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 क्या होता है, हमारी बॉडी में ये क्या करता है, किन चीज़ों में विटामिन B12 होता है जिसको हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। अगर हमको विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सी आने वाली वीडियोस के लिए। आपने विटामिन बी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। ये एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। विटामिन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, विटामिन B6, B7, B9 एंड विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबालामिन भी बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। ये विटामिन B12 बॉडी में करता क्या है। विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। विटामिन B12 हमारी बॉडी में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाता है, और विटामिन B12 की कमी से रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं और इससे बॉडी का हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। जब विटामिन B12 कम हो जाता है तो हमें हर टाइम थकान और लेजीनेस रहती है, सोने के बाद भी नींद बहुत आती है, ब्रेन पावर कम होता है, मेमोरी लॉस होता है, डिप्रेशन होता है, विजन ब्लर होता है, ग्रे हेयर एंड हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, सर में दर्द होता है और बॉडी का कलर हल्का येलो हो जाता है। अगर विटामिन B12 ओल्ड एज में यानी कि 60 एज के ऊपर के लोगों में होता है तो मेमोरी पूरी तरह ख़त्म भी हो सकती है। हाथों और पैरों में नमनेस रहती है क्योंकि विटामिन B12 हमारी नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। जब आप जिनमें विटामिन B12 होता है कम खाते या कम पीते हैं तो आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, और आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको अपना विटामिन B12 ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे फूड जिनसे आपको विटामिन B12 मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज आपकी B12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपने डेली डाइट में एग्स, फिश, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड करके विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चीज़ खा सकते हैं। चीज़ विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा होता है। चीज़ बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है और विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत इफेक्टिव भी होता है। अपनी डेली डाइट में दूध शामिल करें। एक ग्लास दूध में 1.4 mcg विटामिन B12 होता है, तो आज से ही रोज़ दूध पीना शुरू करें विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। दही में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी डेली विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है, जिससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो दही को रोज़ खाएं, खाने के साथ या दही में फ्रूट्स ऐड करके डेजर्ट की तरह। कोकोनट मिल्क भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है। सिर्फ एक कप कोकोनट मिल्क आपके पूरे दिन की विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। आइसक्रीम हम सबको पसंद है, बच्चे हो या बड़े। अगर आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो रोज़ आइसक्रीम खाएं, क्योंकि आइसक्रीम भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होता है। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आप मशरूम अपनी डेली डाइट में खाएं, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए मशरूम विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो में आपको मालूम हुआ कि विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12 की कमी के क्या सिम्टम्स होते हैं, और विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, और कौन से ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको खाने से हम विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।